के सवा लख नबी कमो पेश दुनिया में आए। कुछ कम ऐसे हैं जड़े सारे नबिया ने किते। समझ आ रही? तुसी हुण तैयार हो जाओ, मैं मौजू छेड़न लगा। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं और आप मेरे लिए बीच में से दुआएं भी कर रहे हैं और आपकी अंगूठी भी बड़ी कीमती है। काश हमें दाद देते तो दाद भी कीमती होती। ए जदन दा बैरिया टाउन चला गया, असी हूं इस तो पनाह मंगदे हैं भाई कदें अगे ही ना टुट जावे। तवज्जो है ना जी? जी तवज्जो करनी है जी। सवा लख नबी कमो पेश दुनिया में आए। अल्लाह ने कुछ कम सारे नबिया तो लैन। मसलन पहला कम, हर नबी मिसवाक करता था। आप जब मिसवाक करते हैं गोया आप तमाम नबियों को राजी कर रहे हैं। और दूसरा, हर नबी खुशबू लगाता था। गोया जब आप साफ होते हैं, खुशबू लगाते हैं, अल्कोहल से पाक होती है, तो आप समझिए कि जनाब आदम से लेकर हुसैन के नाने तक सारे नबी आपसे राजी हो रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह जी, मेहरबानी मेहरबानी जनाब जी, मेहरबानी जी। ये जड़े तुसी मुंह दे उत्ते मास्क चढ़ाई बैठे हो ना, मैनू प्रॉब्लम कोई नहीं। मैनू ईमान नाल प्रॉब्लम कोई नहीं। मैं एक जगह ते गया लाहौर दा मजमा, ते तीन बंदे मेरे सामने ना जी, ईमान नाल ओ क्या करके बह गए, सामने बह गए ते उन्होंने क्या किया होया, ये सामने मास्क लाई बैठे हैं। मैं आके मेरे नाल बोलो ही सही, वो जीव अकड़ी जावन। मैं आखिरकार मैं उन्होंने आख्या, इश्क रसूल में जिसे रोना नहीं आता और अपने गुनाहों को धोना भी नहीं आता, वो मास्क पहने यहाँ या ना पहने उसकी मर्जी, ये नबी की महफिल है, यहाँ करोना नहीं आता। हाथ बुलंद करके लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 ताजदारे खत्म नबूवत। ओ मैं हैरान हूं, कोरोना की वैक्सीन तैयार हो गई है, अमेरिका में तैयार हो गई है, इंडिया में तैयार हो गई है, मगर एक बीमारी है जिसका इलाज नहीं है। दुनिया में आज मर्जे कोरोना का राज है, उलझा हुआ मरीज है, रूठा समाज है, होने लगे हैं ठीक कोरोना के कुछ मरीज, लेकिन बुग़्ज़े नबी आज भी ला इलाज है। हक हक ओए होए होए होए, जी आपकी क्या बात है? पिंडी पिंडी वालों मुझे छेड़ो ना। हाँ मुझे छेड़ो ना, मैं रट्टी हुई तकरीर नहीं करता, मैं यहीं बना के यहीं करके टूट जाऊंगा। अल्लाह वाहिद की कसम, मैंने एक बंदा आखन लगा जी ये SOPs क्या हैं, SOP। मैं आखिया SOP ये हैं, नबी के आशकों से मुलाकातें करना, नबी के जिक्र में मसरूफ दिन रात बातें करना, उनकी महफिल में SOP का मतलब ये है गुस्ताख से दूर बैठकर आका की बातें करना। छा गए हो भाई, छा गए हो, आज तुसी नहीं छड़ दे मैनू। मिसवाक करना तमाम नबियों की सुन्नत है, खुशबू लगाना
तमाम नबियों की। एप्पल मोबाइल आले आ तवज्जो कर कब है, खुशबू लगाना सारे नबियां दी सुन्नत है, मिसवाक करना। मैं मेरा ख्याल है सिद्दीकी बेटा त्रीजी गल भी दस देवा, निकाह करना भी सारे नबियों की सुन्नत है। निकाह करना सारे नबियां दी सुन्नत है। हुण जिहड़े पढ़े लिखे उलमा बैठे ना ये आखण गे ले वाए जाया ये साढ़े उत्ते महला फेर गया, सवेरे बंदे आखण गे ईसा अलैहि सलाम ने तो किया नहीं था। अब जल्दी भी ना करो ना, हमें कुछ बात करने भी दो ना। सैयदना ईसा अलैहि सलाम ने निकाह नहीं किया, अल्लाह ने उनको चौथे आसमान पे बुला लिया। ये मौलाना चौथे पे क्यों बुलाया, इसलिए उसको चार यार पसंद ही बड़े हैं। हाय 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 ओ सुभान अल्लाह जी, जिन्हें सुभान अल्लाह नहीं आख्या मैं हैरान होया बैठा भाई। पंजवें ते नहीं बुलाया, छेवें ते नहीं बुलाया, सतवें ते नहीं बुलाया, सिदरा ते नहीं बुलाया, चौथे ते क्यों रखिया है? वजह यह है कि जनादे की तकबीरें भी चार, बड़ी किताबें भी चार, हजूर के यार भी चार, हजूर की यहां बेटियां भी चार, आसमान भी चौथा। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान। चौथे आसमान ते बुला लिया। हां जी नबियों का पहला तरीका केड़ा है? माशाल्लाह होमवर्क चेक कराओ। मैं केड़ा विफाकी वजीर ममलिकत शफकत आम भी मैं तो कॉलेज बंद रखांगा। हम अली वाले हैं, हम इल्म के दरवाजे कभी बंद नहीं किया करते। ए भाई जान नू उठाओ, इनू होने नाल नींद्र आ गई है मेरा बच्चा, खोल के भाई हसो नहीं, भाई अल्लाह का घर है हसो नहीं। हाँ जी नींद आई जाती है, तू केड़ा कार च नहीं भी करेंदा। हाँ जी पहला काम केड़ा है? दूसरा यानी कि इत्थे तक होमवर्क ठीक है। तीसरा काम है निकाह करना। हजरत ईसा अलैहि सलाम का निकाह अभी नहीं हुआ, लेकिन कुर्ब कियामत वो आसमानों से नीचे आएंगे, दमिश्क की मस्जिद के मीनार पर इनका जहूर होगा, फिर ये वहां नमाज पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे नहीं। क्या बात है, पढ़ेंगे पढ़ाएंगे नहीं। जो पढ़ा रहा होगा वो नबी के खानदान का होगा, अली का पोता होगा। इतने सड़ने की जरूरत नहीं है, ये मायार है अली के बच्चों का। इमाम मेहदी फरमाएंगे आप नमाज पढ़ाएं, वो कहेगा नहीं नहीं जनाब, मैं मरियम का बेटा जरूर हूं, साहेब किताब जरूर हूं, ईसा नबी जरूर हूं, मैं अपना कलमा लेकर नहीं आया, मैं तेरे नाने मुहम्मद का कलमा लेकर आया। शाबाश शाबाश, जियो 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 जियो। अल्लाह थोड़िया हयातियां करे। पंद्रहवीं महफिल हो रही है, 15 साल जो बंदा भी जवान होवे ते अज महफिल भी जवान होवे। वल ओ आसन, 40 साल वो रहेंगे, उन 40 साल में हजरत ईसा अलैहि सलाम का निकाह भी होगा, फिर उनका इंतकाल भी होगा। गूगल चलाने वालों जरा तवज्जो से हमें सुनिए, हमारे सिग्नल ऊपर जा रहे हैं। जब वो आएंगे निकाह थी सी, और फिर उनका इंतकाल होएगा, फिर उनकी कब्र पता है कहां बनेगी? हजरत उमर के साथ। हा 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 हा, इधर नबी होंगे, इधर सिद्दीक होंगे, उधर फारूक आजम होंगे, उधर ईसा अलैहि सलाम होंगे। टाइम तो जाया नहीं हो रहा सरकार द्वारा, मेहरबानी मेहरबानी। हां जी तीन काम हो गए नबियों के, पहला शाबाश, दूसरा तीसरा, चौथा भी दसे ना। चौथा काम है अल्लाह ने सब नबियों से लिया है, वो है नबी हिजरत करते थे, माइग्रेट होते थे। यानी आदम अलैहि सलाम जन्नत से उतर कर श्रीलंका आए, श्रीलंका से फिर जद्दा गए, ये उनकी हिजरत है। हजरत नूह अलैहि सलाम भी हिजरत की थी,
तमाम नबियों ने, ईवन के जनाब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 4 दफा हिजरत की है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने 6 दफा हिजरत की है। तवज्जो है ना जी, इवें मेरे नबी ने भी हिजरत की है। सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका।